सो हेलो डियर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो डियर्स, आज हम जो शूज़ अनबॉक्स करने वाले हैं वो काफ़ी डिफरेंट शूज़ होने वाले हैं, जो कि एक चंकी स्नीकर्स है। ये बाकाबुकी ब्रांड के हैं, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। ये शूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में चलने वाले शूज़ है। अगर आपको ये शूज़ पसंद आते हैं तो शूज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी ऐसी तरीके की शूज़ अनबॉक्सिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम पास के अपना शूज़। सो डियर्स, बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है, जो कि एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़े अक्षर में स्नीकर्स का बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको बाकाबुकी की ब्रांडिंग लोगो मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, आप देख सकते हो। इसके साइड में आपको यहाँ पर प्राइस मैंशन की गई है, और उसका कलर दिया गया है जो कि ब्लैक कलर है। ये मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया है। इसमें दो कलर ऑप्शन आते हैं, मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा दोनों कलर। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं अपने शूज़ को। यहाँ पे बाकाबुकी प्रिंट किया हुआ पेपर मिल जाता है। डायरेक्ट निकालते हैं अपने शूज़ को और दिखाते हैं आपको शूज़ को। डियर्स, ये शूज़ का लेफ्ट प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा शूज़ रखा गया है। ये पूरा मटेरियल आपको इसमें मैश का मैश फैब्रिक दिया गया है, जो कि ब्लैक कलर का होने वाला है। इसके ऊपर आपको डार्क ग्रे और लाइट ग्रे की आपको स्वेड लेदर टाइप का, सिंथेटिक स्वेड लेदर की इसके ऊपर टचअप मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर प्यू मटेरियल का यूज़ किया गया है। इसमें दोनों रिफ्लेक्टर आपको, एक गोल्डन और एक आपको रिफ्लेक्टर मटेरियल दिया गया है, जो कि सिल्वर टाइप का होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा इसको लुक प्रोवाइड करा देता है। आप इसकी टॉप पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक आपको सिंथेटिक स्वेड लेदर के डार्क ग्रे कलर का पैच मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इसको देखने में। इसका बैम्प आपको मैश फैब्रिक का ही दिया गया है। इसके राइट प्रोफाइल पर की साइड देखें तो आपको सेम वही चीज़ मिलती है, जिसमें यहाँ पर प्यू मटेरियल और ये रिफ्लेक्टर, दोनों रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे लाइट ग्रे और पीछे को आपको डार्क ग्रे कलर का बैज मिल जाते हैं। आप इसकी हाईलाइट पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक डार्क ग्रे कलर का छोटा सा बैज अटैच किया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसकी पूरी हाईलाइट आपको प्यू लेदर की फिनिशिंग के साथ आती है। यहाँ पे आपको एक टैग मिल जाता है, जिसमें एक शूज़ का टैग दिया गया है, एक कंपनी का टैग दिया गया है, जिसमें आपको पीछे कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है। आप देख सकते हो इसमें प्राइस और इसका कलर मेंशन किया गया है, कुछ बारकोड दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं गया है। इसमें आपको एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का पुल टैप मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है ये। आपको इसकी लेस दिखाते हैं। लेस इसकी काफ़ी प्रीमियम दी गई है, जो कि नायलॉन की बनी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी लेस रखी गई है। इसकी टंग एरिया की बात करते हैं तो टंग एरिया पर आप देख सकते हो, इसकी टंग एरिया पर यहाँ पर आपको बाकाबुकी का 3D प्रिंटेड लोगो मिल जाता है, जो कि एक डार्क ग्रे बैज के ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे आपको मैश का थोड़ा सा टचअप भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी एक पुल टैप मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी औसम रखी गई है। इसके टंग के पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें बाकाबुकी का ब्रांडिंग और इसमें नंबर और मेड इन इंडिया की बैजिंग मिल जाती है। ये वाला फैब्रिक थोड़ा अलग रखा गया है, ये काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। आप देख सकते हो इसकी पैडिंग, अंदर इसकी सारी पैडिंग आपको काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिल जाती है। देखो, मैं आप काफ़ी आराम से इसे दबा पा रहा हूँ, काफ़ी सॉफ्ट इसकी पैडिंग रखी गई है। आप इसकी इनर सोल देख सकते हो, क्योंकि मेमोरी फोम का यूज़ किया गया है इसकी इनसोल में, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है मेमोरी फोम। अगर हम इसकी आउट सोल की बात करें तो इसकी आउट सोल काफ़ी यूनिक डिज़ाइन किया गया है इसकी आउट सोल पर। आप देख सकते हो काफ़ी बम्पी इसकी आउट सोल रखी गई है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक देखने को मिलती है। ये एक फिलोन की आउट सोल होने वाली है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट मानी जाती है। ये वाली आउट सोल आपको नाइकी के एयर शूज़ में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसमें कंफर्ट प्रोवाइड करवाती है शूज़। आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट इसकी सोल है। ये ब्लैक कलर की दी गई है पूरी सोल। यहाँ पे आपको अंदर इसमें येलो कलर का टचअप मिल जाता है, जो आप इधर से देख सकते हो साइड से, काफ़ी खूबसूरत बनाता है इस शूज़ को देखने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारी इसी तरह की शूज़ अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।